बात है 1996 की, भारत नया नया लिबरलाइज हुआ था और भारत में दो ऐसी कंपनियां थी जो अपना वर्चस्व बनाना चाह रही थी। ये विदेशी कंपनियां थी कोका कोला और पेप्सी। दोनों ही चाहते थे इंडिया का मार्केट कैप्चर करना और उसके लिए सबसे बेहतरीन मौका था 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसमें जो मेन स्पॉन्सर था वो तो ITC था, सेमी स्पॉन्सर या बेवरेज स्पॉन्सरशिप के लिए कोका कोला और पेप्सी में होड़ थी, जिसमें कोका कोला जीता। उसने 10 करोड़ रुपए देके स्पॉन्सरशिप ले ली, लेकिन पेप्सी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने उस जमाने के जितने क्रिकेटर हो सकते थे, तेंदुलकर से लेके अजहरुद्दीन तक और वेस्ट इंडीज से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, हर क्रिकेट टीम के उसने क्रिकेटरों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और एक कैंपेन चलाया जो उस वक्त बहुत हिट हुआ था, वो था नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। पूरे के पूरे कैंपेन में वो कहते रहे कि भले ही कोका कोला ऑफिशियल स्पॉन्सर है, लेकिन हमें ऑफिशियल ड्रिंक पीने की ज़रूरत नहीं है, आप पेप्सी पी सकते हैं। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद। Officially, cricket is played in whites at a leisurely pace. The official players are gentlemen of restraint who have to drink the official drink. Nah. Pepsi. Nothing official about it. Nothing official about it.